आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुवार को बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भक्तजनों ने श्री जी की शांति धारा अभिषेक का धम लाभ लिया। इस कार्यक्रम को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुवार को बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भक्तजनों ने श्री जी की शांति धारा कर अभिषेक किया और धर्म लाभ लिया। इस कार्यक्रम को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री भीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय द्वादशकंपनिष्ठाय शुक्ल ध्यानाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका। श्री जी के शांति धारा अभिषेक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आचार्य श्री ने भक्तजनों को धर्म देशना के माध्यम से धर्म प्रभावना की। धर्मात्मा के जीवन में क्या क्या लक्षण दिखाई देना चाहिए, इस बात को सम्यक दर्शन के 8 अंगों के माध्यम से बता दिया। अब यहाँ ये बतला रहे हैं कि उस धर्म की कमाई का फल क्या है का जिसको हम प्राप्त कर सकें और उससे हमें क्या फल प्राप्त हो रहा है, तो का दुनिया की सारी कमाई मनुष्य इस लोक में उपभोग करता है। धन कमाएंगे इस लोक में उपभोग कर लेंगे, कोई और चीज बनाएंगे उसका भी इसी पर्याय में उपभोग कर लेंगे। अगले भाव में ले जाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, तो का यहां लेकिन एक धर्म की कमाई ऐसी है कि जो परभव में हमारे साथ जाती है और परभव में साथ जाने के साथ दुर्गति का निवारण करा देती है, ये भी प्रमुख बात हुआ करती है। तो यहां आचार्य समंतभद्र स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि आखिर वह धर्मात्मा प्राणी कौन कौन सी गतियों को नहीं पाता है। श्री आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी का श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग में चातुर्मास चल रहा है। आचार्य श्री सुबह 8:30 बजे से प्रवचन करती हैं और पूरा दिन चल रहा है। आप 10 दिन 10 लक्षणों में 10 दिन सुबह से शाम तक उपस्थित रहकर गुरुदेव के सानिध्य में पूजा अभिषेक करें, शांति धारा करें और उनके प्रवचन सुने और आचार्य श्री जो भी आदेश आपको कर रहे हैं या प्रश्न पाचक चल रहे हैं उनका उत्तर समाधान करें, शंका समाधान करें। सभी लोग अच्छी संख्या में आइए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। पावन वर्षा योग में आचार्य श्री की शाम को मंदिर परिसर में शंका समाधान की कक्षा चल रही है। इस कक्षा में भक्तजन शामिल होकर गुरुवर से जैन धर्म से संबंधित शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।